नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान के उनियारा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसके बाद में पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे कायम नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से देश में इसे लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कांग्रेस अब देश की जनता को वादा करेगी कि वो उस आरक्षण को मुसलमानों में नहीं बांटेगी? मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद भी कांग्रेस होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट हो रहे होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया है। कर्नाटक में इसलिए एक युवक को पीटा गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।